जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, संधि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या फिर स्वर संधि। 31वां क्वेश्चन है और 31 का राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर, यानी कि स्वर संधि राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, यण संधि का संबंध स्वर संधि से है। यण संधि स्वर संधि का एक भेद है। स्वर संधि के भेद हैं दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। नवोड़ा का सही संधि विच्छेद बताना है क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 का सही राइट आंसर चयन कीजिए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, आंसर कमेंट में बताते जाना है। नवोड़ा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप सभी का सही राइट आंसर है नवधन उड़ा, जो है यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका राइट आंसर है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है क्या होगा 33 में, चयन कीजिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। तो पवन का सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा? विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर है पौधन अन बराबर पवन, आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, पौधन अन बराबर पवन, यहाँ पर अयादि संधि का प्रयोग हुआ है, इसमें अयादि संधि का उदाहरण है। किन कर्तव्य विमूल संधि का सही अर्थ क्या है बताइए? किम कर्तव्य विमूल शब्द का सही अर्थ बताना है, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य से विमुक्त हो, जो कर्तव्य से अविमुक्त हो। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा, जिसे सूझ न पड़े कि अब क्या करना चाहिए, तो किम कर्तव्य विमूल इसी को उसी का सही अर्थ होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंत्यज शब्द का सही अर्थ बताना है क्या होगा? जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न यानी कि अछूत वर्ग में हुआ हो, या जो जन्म से कुरूप हो। तो राइट आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि जिसका जन्म निम्न यानी कि अछूत वर्ग में हुआ हो। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुतज्ञ शब्द का सही अर्थ बताना है क्या होगा? जो बहुत जानकार हो, जो जानने की इच्छा रखने वाला हो, जो अध्ययनशील हो, या जो कम जानता हो। तो बहुतज्ञ का राइट आंसर है जो बहुत जानकार हो, उसके लिए एक शब्द होगा बहुतज्ञ, बिल्कुल सही। और अल्पज्ञ जो कम जानता हो उसके लिए क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। जो बहुत जानता है उसको क्या बोलते हैं? बहुतज्ञ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सही संधि विच्छेद का चयन करना है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद यहाँ पर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 37 में। तो 37 का सही राइट आंसर है विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, देखिए यद्यपि का सही संधि विच्छेद बताना है बताइए। यदि धन अपि, यद धन पि, यद धन अपि या फिर या धन अपि। तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि यद्यपि, यद्यपि का सही संधि विच्छेद की बात करें तो यदि धन अपि बराबर यद्यपि आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है? राइट आंसर एक सही आंसर है, यण संधि होगी यहाँ पर। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 39 में कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा सूर्यधन उदय। सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय जो है राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, आप सभी का सही राइट आंसर होगा, गुण संधि इसमें है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है? अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर यण संधि। तो 40 का राइट आंसर होगा यण संधि, जिन्होंने विकल्प नंबर डी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा यण संधि, आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, देखिए यण संधि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ऊ ऋषि के बाद यदि कोई
कोई आवर्ण यानी कि इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले यहाँ या और ऊ के बदले वा तथा ऋषि के बदले रा हो जाता है। तो इस प्रकार जो है इसमें होता है। और यण संधि में क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है क्या 41वां क्वेश्चन है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नायक में सही संधि विच्छेद बताना है। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा न धन अक बराबर नायक आपका सही आंसर है, नायक आयादि संधि होगी नायक में, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दुर्जन का सही संधि विच्छेद बताना है क्या होगा, दुर्धन जन दुधन जन दुधन अर्जन या फिर दुर्जन जन। तो सही राइट आंसर होगा कि यहाँ पर दुधन जन बराबर दुर्जन आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। दुर्जन का सही संधि विच्छेद है दुधन जन बराबर दुर्जन, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे 43 पूछा गया है यहाँ पर उज्ज्वल के चार संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से सही का चयन करना है, कौन सा उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, उज धन ज्वल उत धन ज्वल उद धन ज्वल या फिर उत धन ज्वल, ये चार विकल्प दिए गए हैं तो इनमें से आपका सही राइट आंसर होगा उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल जो है आपका यहाँ पर सही संधि विच्छेद होगा उज्ज्वल का, बिल्कुल सही, व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए रीति धन अनुसार से संधि के शब्द बनेगा, रीतानुसार या फिर रीतानुसार, रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा, तो राइट आंसर रीतानुसार, रीतानुसार आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका राइट आंसर होगा। ये यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर पूछा गया है आपका क्या है, अनवीक्षा का सही संधि विच्छेद होगा, अनवीक्षा का सही संधि विच्छेद बताना है, क्वेश्चन नंबर 45 में आपका क्या होगा राइट आंसर, अनवीक्षा का सही संधि विच्छेद होगा अनुधन इच्छा जो है राइट आंसर होगा अनवीक्षा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आपसे 40 पूछा गया है, इनमें से किस शब्द में यण संधि है बताइए, इनमें से आपको चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या होगा राइट आंसर, किस में यण संधि है ये पूछा गया है, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा दिव्यागम आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है यहाँ पर आपका सही राइट आंसर होगा, क्योंकि यण स्वर संधि दिव्यागम में यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि जब ई ई ऊ तथा ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या अथवा ऊ और बड़ा ऊ का वा तथा ऋषि का जो है रा हो जाता है, इस प्रकार यण स्वर संधि में। क्वेश्चन नंबर आपका 47 पूछा गया है, अत्यावश्यक में सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, इसका सही संधि विच्छेद बताना है, क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का राइट आंसर होगा अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक जो है राइट आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 के शब्द में विसर्ग संधि है, वह शब्द आपके लिए बताना है, विसर्ग संधि पूछा है तो दुष्कर में विसर्ग संधि होगी, दुष्कर में दुधनकर बराबर दुष्कर विसर्ग संधि है, अहंकार में अहम धनकार बराबर व्यंजन संधि है, उल्लास में उत धनलास बराबर व्यंजन संधि है, हिमालय में हम धन आला बराबर दीर्घ स्वर संधि है, बिल्कुल सही। के शब्द में व्यंजन संधि है, सज्जन में या फिर परोपकार में विद्यालय में इत्यादि में, क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर चयन कीजिए, 49 में सही आंसर बताना है तो सज्जन जो है आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, सज्जन में आपका व्यंजन संधि होगी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सत धनजन बराबर सज्जन व्यंजन संधि,
क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है, नमस्कार में, जगदीश में, दुर्लभ में या फिर भानुदय में। क्वेश्चन 50 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का राइट आंसर है भानुदय। भानुदय में कौन सी संधि है, स्वर संधि होगी, बिल्कुल सही। भानुदय जो है भानुधन उदय बराबर भानुदय स्वर संधि का उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है आपका 51, नेतत में सही संधि विच्छेद होगा, बताइए नेतत का सही संधि विच्छेद चयन करना है। एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है शेयर कर दे एक बार वीडियो को। और क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है नेतत में अगर सही संधि विच्छेद होगा तो वह ना धन एतत, तो विकल्प नंबर एक आपका सही राइट आंसर होगा। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण माना जाता है ना धन एतत। अगला क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में विसर्ग संधि है, बताइए। चार विकल्प दिए गए हैं, अहंकार है, विद्यालय है, दुष्कर है या फिर उल्लास है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 52 है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है, तो वह शब्द कौन सा है, दुष्कर। दुष्कर आपका राइट आंसर होगा, दु धनकर बराबर दुष्कर आपका जो है राइट आंसर होगा विसर्ग संधि इसमें, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में विसर्ग संधि है, तो यहाँ पर भी आपके लिए विसर्ग संधि बताना है, तो आप सभी का राइट आंसर है कि यहाँ पर भी आपकी जो है तरोस छाया जो है यहाँ पर भी आपकी जो है कौन सी संधि होगी, यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि होगी, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अपिक्षते का सही संधि विच्छेद बताइए, क्या होगा राइट आंसर। अपि धन क्षते आप अप धन इच्छते अपि धन इच्छते अपि धन इच्छते, तो 54 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, अपि धन इच्छते जो है अपिक्षते इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पावन का सही संधि विच्छेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 है और सरल क्वेश्चन पूछा गया है, पौधन वन बराबर पावन आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। पौधन वन बराबर पावन आपका सही राइट आंसर होगा, अयादि संधि का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है देखिए, कल्पांत, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है बताइए, कल्पांत में आपके लिए संधि बताना है, क्या होगा, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, तो आप सभी का राइट आंसर है 56 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, कल्पांत में दीर्घ संधि होगी, बिल्कुल सही, दीर्घ संधि आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 दिया गया है कि निष्काम, निष्काम में आपके लिए सही संधि विच्छेद चयन करना है, निष्काम का सही संधि विच्छेद क्या है, तो नी धन काम बराबर निष्काम आपका सही राइट आंसर होगा, यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण माना जाता है। वीरोचित में कौन सी संधि है, वीर धन उचित, सॉरी संधि विच्छेद पूछा है, वीर धन उचित, वीर धन औचित, वीरा धन चित या वीर धन उचित, तो वीरोचित में आपका राइट आंसर होगा वीर धन उचित बराबर वीरोचित आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण माना जाता है। यहाँ पर पूछा है मदोन्मत, ये आपके लिए बताना है, मदन धन उन्मत्त, मदो धन मत्त, मद धन उन्मत्त या मदन धन मत्त, तो क्वेश्चन नंबर 59 है, राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, मद धन उन्मत्त बराबर मदोन्मत्त आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। यह भी आपका जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, दिक दिक धन गज की सही संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा, दिग्गज, दिक दिक गज या दिग्गज, दिग्गज या फिर कोई नहीं, तो दिक धन गज बराबर दिग्गज, सरल है, बिल्कुल सही। दिग्गज आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, व्यंजन संधि होगी दिग्गज में, कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, तो बिल्कुल। इस प्रकार आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे संधि से संबंधित, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।
इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो आपके लिए व्याकरण से संबंधित लाने वाले हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक अवश्य कर लें सभी लोग। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।